अभी हमने बात की पहले भी कुछ वीडियोस में जहां हमने बात की कि HIV और एड्स में फ़र्क क्या है। सो HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसे बोलते हैं। वायरस शरीर में आएगा, एक टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद वो डिजीज़ में बदलेगा। सो डिजीज़ का नाम है एड्स, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारे शरीर में नॉर्मली एक इम्यून सेल्स होती हैं जिसको हम CD4 सेल्स बोलते हैं। तो ये 500 से 1000 के बीच में एक नॉर्मल रेंज होती है जो किसी भी इंसान को किसी भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन से लड़ने का ताकत देती है। सो अगर कोई वायरस आएगा या कोई भी अगर एक्सटर्नल फैक्टर शरीर में आएगा तो इम्यून सेल्स उसको फाइट करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है, दे आर योर प्रोटेक्टिव सेल्स ऑफ दी बॉडी। तो जब ये फाइट चल रही होती है इन्फेक्शन के बाद तो CD4 सेल्स धीरे 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 करके कम होना शुरू होती हैं और जब CD4 सेल्स 350, 200 उससे नीचे आ जाती हैं तब बॉडी में अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम एड्स में है या HIV में पर से, वो समझना ज़रूरी है कि वो वायरस पर से नहीं होती, वो वायरस की वजह से नहीं हो रही है। वायरस तो अपने आप में काम कर रहा है, लेकिन इम्यूनिटी कम होने की वजह से अलग अलग बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं एंड वी कॉल दैट एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं इसकी वजह से ही सारी परेशानियां होती हैं। और जो एड्स की जब हम बात करें तो समझे कि एड्स का मतलब है कि अब उस इंसान को बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो चुके हैं एंड वो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो जनरली आपके CD4 सेल से लिंक्ड होते हैं। और जिसका भी 200 से नीचे CD4 सेल काउंट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने। सो मेजर हमारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कौन से हैं जिसकी वजह से एड्स की सीरियसनेस को हम मेजर करते हैं। सो उसमें TB इज़ द बिगेस्ट किलर। सो ट्यूबरक्लोसिस, बी इट पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब लंग्स में होने वाला या लंग्स के बाहर किसी भी एरिया में होने वाले को हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। उसके अलावा दिमागी बुखार होता है और वी कॉल दैट एज मेनिंजाइटिस। सो इट कुड बी ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस से होने वाला, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट काइंड ऑफ reason for deaths in AIDS. And then there is pneumonia. So you have bacterial pneumonia and there is something called as pneumocystis pneumonia. So ये बड़े सारे अलग अलग opportunistic infections होते हैं जो generally AIDS के लिए जो mortality है या बोले जो complications जो seriousness है वो इन opportunistic infections की वजह से होती है। तो ये पूरा एक progression है। So HIV से AIDS तक पहुँचना, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आप दवाई टाइम पे लीजिए और अगर CD4 सेल काउंट कम है तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको ये बाकी सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगे और आप सीरियस होंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उसको चेक किया जाए, जो जो रिकमेंडेशंस है उसको फॉलो किया जाए। फॉलो अस टू स्टे अपडेटेड ऑन डिबेट्स, डिस्कशंस, फैक्ट्स एंड टिप्स अबाउट हेल्थ. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.